सुनाता जी मैं हूँ। एक शेर आपके और रूप के नाम है। आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, आप लोगों ने जिस मोहब्बत से बुलाया है, आपकी इस मोहब्बत को सीने से लगाता हूँ और सीधा सीधा अपने औकात पे आ जाता हूँ। एज यूजुअल ये जो गजल है ये वीना जी को हमेशा की तरह डेडिकेट की जा रही है। जब से मिला हूँ उससे उसने मिलना उस जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दी। जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया। क्यों भाई? मेरे लिए भी उस पागल ने सारा जमाना छोड़ दिया। जब से मिला हूँ उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया। मेरे लिए भी उस पागल ने सारा जमाना छोड़ दिया। उसकी चाहत की खुशबू से मुलायजा फरमाए, उसकी चाहत की खुशबू से महका महका रहता हूँ। उसकी चाहत की खुशबू से महका महका रहता हूँ। जब से उसका साथ मिला है इतर लगाना छोड़ दी। अब साहब एक आदमी साहब बार में बैठा हुआ अपना गलत कर रहा है, बार में बैठा बड़े भाई वहाँ गलत कर रहा था, चला रहा था पैक पे, तो उसने उसकी ये आवाज़ जो मैंने जो कैप्चर करी है वो ये है, ना दिल की बाजी की ना दिल का सौदा, ना दिल की बाजी की ना दिल का सौदा, अगर देती वक्त थोड़ा तो ना आती आज ये नौबत, ना कोई पूछता सर थोड़ा पानी या फिर सोडा। अच्छा एक बार मतलब क्रिसमस के आसपास की बात है, बर्फ पड़ी भी थी, एक जवान लड़की फिसल गई, उसके हाथ में कुछ चीज थी वो गिर गई, तो बड़े जोर से चिल्लाई हाय मेरी किस्मत। पास से एक अमेरिकन भी जा रहा था, वो बोला हाय मेरी क्रिसमस टू यू टू। वो चिल्लाई हाय मेरी किस्मत। हाय मेरी क्रिसमस टू यू टू। अच्छा साहब आपने सुना ही होगा कि आजकल ये किडनैपिंग का बड़ा इंडिया में जोर है और इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पे भी, बच्चे भी सुनते हैं ये न्यूज़। तो साहब एक बच्चा छोटा बच्चे ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बाइसिकल दे दो, नेचुरली नहीं मिली उसको बाइसिकल, तो जनाब वो मंदिर गया, गणेश जी की मूर्ति उठा ले आया और शिव जी को नोट लिख दिया अगर बच्चा चाहिए तो साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाए। लाया और शिव जी को नोट लिख दिया कि अगर बच्चा चाहिए तो मंदिर के पीछे साइकिल लेके आ जाओ। इतना साल याद हो हम सब जवान हैं, एक बुढ़ा आदमी जिम में गया और उसने इंस्ट्रक्टर से कहा
कौन सी मशीन चलाऊं, मैं जरा लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, कौन सी मशीन चलाऊं, है नी? वो बोला देखो मैं तो एक ही मेरी समझ में आती है कि आपके लिए एटीएम ठीक है। एक और साहब, एक बुढ़ापे में इश्क का क्या अंजाम होता है, वो क्या नतीजा होता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। दिल भी चाहे तो खत कैसे लिखूं, दिल भी चाहे तो खत कैसे लिखूं, एक ही हाथ है कमबख्त लिखता ही नहीं, एक ही हाथ चलता था उसका, एक ही हाथ है कमबख्त लिखता ही नहीं, छत पे हम समझे तुझे, छत पे हम समझे तुझे, वो तेरे डैडी निकले, इश्क क्या खाक करें, दूर का दिखता ही नहीं। मुझको सपने उधार दे देना तुम, मुझको सपने उधार दे देना तुम, सबसे छुप के प्यार देना तुम, रात को छत पे मैं आऊंगा, मुझे कॉल कर देना तुम। अच्छा, एक बार लड़के ने, लड़के को पता लगा कि उसकी लड़की जो है चक्कर में है, तो लड़के के बाद में उसको कन्फ्रंट किया, कहा तुम मेरी लड़की से कब से प्यार करते हो? उसने कहा 3 महीने से। वो कहने लगा मैं कैसे यकीन करूँ, कहते 6 महीने वेट कर लो अपने आप। मैं 6 महीने वेट कर लो यकीन आ जाएगा। सीरियस जोक है, एक मक्खी और मच्छर, एक मक्खी का एक मच्छर से शादी हो गई, मक्खी और मच्छर की शादी। अगले दिन मक्खी जोर जोर से रोने लगी, तो जी उसकी सहेली ने पूछा कि क्या हो गया? कल भी कल रात डेंगू फीवर करने वाले, फीवर को प्रिवेंट करने वाले स्प्रे करने आए थे, तेरे जीजा जी मर गए। अच्छा, ये एक कौन सी चीज है, एक वाइफ, एक हस्बैंड अपनी फैशनेबल वाइफ से परेशान था, एक हस्बैंड अपनी फैशनेबल वाइफ से परेशान था, उसके बेहिसाब खर्चों से हैरान था। एक दिन चिल्ला के बोला, तुम इतनी महंगी लिपस्टिक, तुमने इतनी महंगी लिपस्टिक पे सारे पैसे कर दिए वेस्ट, इसका ना तो कलर है और ना ही टेस्ट। Very good. All right.